सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टूनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी नज़र काले कौए पर पड़ती है। वो पकौड़े बेच रहा था। टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौए के पास जाती है। अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों कर रहे हो कालू भैया? मुझे दिख रहा है कि तुम पकौड़े तल रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, मुझे एक प्लेट पकौड़े देना, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है। मैं तो भोजन की तलाश में जा रहे थे, मगर जब मैंने तुम्हें पकौड़े तलते हुए देखा तो खुद को संभाल नहीं पाई। सोचा आज पकौड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। अरे ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकौड़े देता हूँ। कालू कौआ टूनी चिड़िया को पकौड़े देता है। सारे पकौड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, कालू कौए को देने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। मुझे कुछ नाटक करना पड़ेगा जिससे कालू कौए को मुझे पैसा देना नहीं पड़े। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे दैया मैं तो मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू कौए, तो इसमें क्या मिलाया है? मैं भी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ। नहीं नहीं टूनी बहन, मैंने पकौड़े में कुछ भी नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर डॉक्टर से किसी अपने इलाज करा लो। पैसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर वापस लौट आती है। घर आकर अपने बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू आज मैंने कालू कौए को चूना लगा दिया। जी ये आपने ठीक नहीं किया, रोज जाकर किसी न किसी दुकान पर फ्री में खाती है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जाकर कोई अपना काम कर, मेरा पेट तो भर गया है, मैं तो चली आराम करने। टुनटुनी एक नेक चिड़िया थी, उसे अपने सास की ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने सास को समझाने की बहुत प्रयास करती, लेकिन उसकी सास समझने की तैयार ही नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टूनी ये ले फल, बहुत खुशी की बात है, मेरे बेटे ने एक विदेश ऐसी चिड़िया से शादी कर ली है, और कभी मौका मिलेगा तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। इतना कहकर हरे तोती वहाँ से चली जाती है। हरे तोते के जाने के बाद टूनी चिड़िया फल मिठाइयों को खाने लगती है। थोड़ी देर में वो सारे फल मिठाइयाँ खा लेती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस तरह दो दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी ये आपका घर है, आप यह नाटक क्यों कर रही है? अरे करमजली, मैं दर्द से मरी जा रही और तुझे ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसके सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ देखकर दोनों सास बहुत डर जाते हैं। टुनटुनी फौरन अपने सास को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर बुलबुल टुनी की हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया से बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निगल लिया है, इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। टुनटुनी चिड़िया तुम तुरंत ऑपरेशन के पैसा जमा कर दो, वरना टाइम के साथ पेड़ और भी बड़ा हो जाएगा। यह सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, हाय राम, अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? पता नहीं माँ जी खाने के पीछे इतनी लालच क्यों करती थी। डॉक्टर कुछ भी करके मेरे सास को बचा लीजिए, मैं जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा कर दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने सहेली सुंदरी कौए के पास पैसे लेने जाती है और टुनटुनी चिड़िया के तबीयत के बारे में बताती है, बहन मेरे सास बहुत ही बीमार है, अगर जो टाइम पर उनके पेट से पेड़ नहीं निकाला तो वो पेड़ और बड़ा होता चला जाए। टुनटुनी चिड़िया को इतना उदास देखकर सुंदरी कौए उसे पैसा दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अस्पताल जाकर ऑपरेशन के पैसा जमा कर देती है। तभी डॉक्टर बुलबुल टुनी चिड़िया के पेट की ऑपरेशन करती है और जल के साथ पेड़ को निकाल देती है। कुछ दिनों के बाद टुनी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर खाने के बारे में लालच करना छोड़ देती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तूने बहुत परेशानी उठाई है, मैं दोबारा किसी को खाने के लिए परेशान नहीं करूंगी। तभी से टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।